आज मैं आपके साथ बिहार की स्पेशल एक ऐसी चटनी की रेसिपी शेयर कर रही हूँ जो कहने को तो चटनी है लेकिन ये किसी भी सब्जी से बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है और इसे बना करके आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, एक हफ्ते तक ख़राब नहीं होती है। इसे बनाने का तरीका थोड़ा सा यूनिक होता है, कुछ यूनिक मसाले के साथ बनाई जाती है लेकिन बहुत जल्दी बन जाती है। 10 से 15 मिनट में आप इसको बना करके रख सकते हैं। आज सुबह से ही मेरे बेटे का मन था कि मम्मी गर्मा गर्म खस्ता पूड़ियाँ बनाइए और उसके साथ आप वही बिहार की स्पेशल चटनी बनाइए। बहुत दिनों से खाई नहीं थी तो मैंने सोचा चलो आज बनाती हूँ। टमाटर की चटनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पर 5 मीडियम साइज़ के पके हुए टमाटर ले लिए हैं। सबसे पहले इन्हें धुल लेंगे और इसके बाद इसकी पतली पतली स्लाइस काट लेंगे। टमाटर की मीठी चटनी में थोड़े से ड्राई फ्रूट्स भी डाले जाते हैं, आप अपने पसंद की किशमिश चिरौंजी वगैरह इसमें डाल सकते हैं। आप चटनी को बनाने के लिए एक सॉस पैन ले लेंगे, आप चाहें तो कढ़ाई में भी इसको बना सकते हैं। उसमें थोड़ा सा हम सरसों का तेल ऐड करेंगे तो सरसों के तेल में बहुत टेस्टी लगती है, आप सरसों के तेल में ही बनाइए। अब हम इसमें थोड़ा सा तड़का लगाएंगे। सबसे पहले हमने जीरा डाल दिया है, एक लाल मिर्च ऐड कर दी है, थोड़ी सी सौंफ ऐड कर देंगे। सौंफ और कलौंजी से इसका बहुत बढ़िया टेस्ट आता है, हम लोग इसे कलौंजी बोलते हैं, आप क्या बोलते हैं ज़रूर बताइएगा। तो कलौंजी के डालने के बाद हम इसमें थोड़ा सा मेथी दाना ऐड करेंगे। तो अब जो हमने टमाटर इसमें काटा हुआ है वो भी ऐड कर देंगे। गाइस अंधेरा था तो मैंने थोड़ा खिड़की खोल दी है, अब इसे हम अच्छे से पकाएंगे। जैसे जैसे टमाटर पकते जाते हैं इसका पानी इसमें छूट जाता है तो ये अपने पानी से ही पकेगा, ऊपर से पानी को ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इससे इसकी सेल्फ लाइफ अच्छी होती है, जल्दी ये ख़राब नहीं होता। आप इसको फ्रिज में रख देंगे तो एक हफ्ते तक ये चटनी बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अब हम थोड़े से साबुत मसाले लेंगे, तो थोड़ी सी काली मिर्च के दाने ले लिए हैं, एक सफ़ेद इलायची, एक काली इलायची है और एक टुकड़ा थोड़ा सा दालचीनी का ले लिया और एक लौंग है। तो इसको हम थोड़ा सा क्रश कर लेंगे, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। मिक्स करके इसे हम 1 मिनट के लिए और पकाएंगे। तो अब बारी आती है इसमें ड्राई फ्रूट्स को ऐड करने की, कि उसको भी सॉफ्ट होना है। तो ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद से ले लें, छोटा छोटा काट लें, गरी बहुत अच्छी लगती है गरी, और थोड़े से छुहारे जरूर लें। तो सब कुछ मिक्स कर देंगे और इसे पकने देंगे। तो आप देख रहे हैं कि आधे से ज़्यादा तो टमाटर हमारे पक चुके हैं। अब इसमें थोड़ी सी लाल मिर्च ऐड करेंगे और साथ ही धनिया का पाउडर भी हम इसमें ऐड कर देंगे, चुटकी भर नमक इसमें मिला देंगे। तो इस तरह से हमारी चटपटी सी चटनी बन गई है, लेकिन अभी मीठा इसमें डालना रह गया है। तो मीठे के लिए आप गुड़ भी इसमें मिला सकते हैं, या फिर आप चीनी या फिर गुड़ चीनी दोनों मिक्स करके आप इसमें डाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर थोड़ा सा गुड़ और चीनी ऐड कर दी है। सिर्फ गुड़ में अगर आप बनाएंगे तो बहुत ही बढ़िया इसका स्वाद आता है। तो आप चाहें तो इसे चाशनी से भी बना सकते हैं, जो बची हुई चाशनी वो भी इसमें आप डाल सकते हैं। जैसे जैसे चीनी इसकी मेल्ट होगी इसमें पानी थोड़ा सा बढ़ जाएगा। तो आप देख लीजिए कि अगर ये ज़्यादा ड्राई है तो इसमें थोड़ा सा आप गर्म पानी ऐड कर सकते हैं, आधा कप मिला दीजिए। टमाटर बहुत अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं लेकिन अभी पूरी तरह से बने नहीं हैं, तो इसको हम कवर करके पकाएंगे। गैस की फ्लेम को स्लो करके 5 मिनट के लिए इसको पकने देते हैं। 5 मिनट हो गए हैं, बीच में एक बार मैंने इसको देख लिया था कि कहीं जल तो नहीं रही है। तो चटनी बहुत अच्छे से पक चुकी है, इसमें जो ड्राई फ्रूट्स हमने ऐड किए थे वो भी अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो गैस को स्विच ऑफ कर देंगे, चटनी को हम ठंडा होने के लिए एक साइड रख देंगे। और गैस जब ये ठंडी हो जाए तो आप इसको किसी कंटेनर में रख करके या फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं, और जब भी सर्व करनी हो आप इसको गर्म करके सर्व कर लीजिए, या आप ऐसे भी इंजॉय कर सकते हैं। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने वाली है, समोसे के साथ, पकौड़ों के साथ, या फिर गर्मा गर्म खस्ता पूड़ी के साथ, पराठे के साथ बहुत अच्छी लगती है। मैंने यहाँ पर पूड़ियाँ सेक ली हैं। इसे टमाटर की खट्टी मीठी चटनी भी बोलते हैं, टमाटर की लौंजी भी बोलते हैं, या फिर इसको आप मुरब्बा भी बोल सकते हैं। सिर्फ 15 मिनट में बनने वाली बिहार की बहुत ही स्पेशल खट्टी मीठी चटनी बनकर तैयार है। गाइस ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे फिर से एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।